हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स बाय सुभा सर। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे गैल्वेनोमीटर एज अ एममीटर एंड एज अ वोल्टमीटर। गैल्वेनोमीटर को डायरेक्टली एज अ एममीटर यूज करें तो क्या क्या डिफिकल्टीज आ सकती है, उसका सॉल्यूशन क्या है, एममीटर की करंट कैपेसिटी कैसे इंक्रीज करें, उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। गैल्वेनोमीटर को डायरेक्टली एज अ करंट मीटर एज अ एममीटर यूज करें तो दो डिफिकल्टीज अराइज होती है। समझते हैं क्या डिफिकल्टी है। अगर हमें किसी भी सर्किट में करंट मेजर करना है, लेट सपोज यहां पर इस सर्किट में ये जो रजिस्टर्स है R, इस रजिस्टर में से कितना करंट फ्लो हो रहा है वो हमें मेजर करना है। अब करंट मेजर करने के लिए अगर हम गैल्वेनोमीटर का यूज करें तो उस गैल्वेनोमीटर को हमें यहां पर सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा। अब गैल्वेनोमीटर है, उसके अंदर कुछ कॉइल होगी, उसका कोई रजिस्टर होगा, लेट सपोज वो है RG। फर्स्ट डिफिकल्टी क्या अराइज होगी, गैल्वेनोमीटर बहुत ही सेंसिटिव डिवाइस है। दैट मींस अगर इस कॉइल में से माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर का छोटा सा करंट भी फ्लो होगा तो भी गैल्वेनोमीटर फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिखाएगा। सेकेंड डिफिकल्टी ये है कि यहां पर हमें करंट I मेजर करना है जो नॉर्मली होगा I = V/R। लेकिन जैसे ही हमने गैल्वेनोमीटर को यहां पर सीरीज में कनेक्ट किया तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस भी यहां पे सीरीज में ऐड हो गया। नाउ लेट सपोज गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस RG है तो अब इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा R = RG + R। जब हम करंट फाइंड करेंगे तो वो हो जाएगा I = V/RG + R। दैट मींस अब हमें जो करंट मिलेगा वो डिफरेंट मिलेगा, जो हमें चाहिए था वो नहीं मिलेगा क्योंकि यहां पर रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो गई है। तो अब इस डिफिकल्टी को सॉल्व कैसे करें, तो उसके लिए जहां पर भी हम गैल्वेनोमीटर का एज अ एममीटर यूज करेंगे उसके पैरेलल में एक स्मॉल वैल्यू का रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देंगे जिसको शंट रेजिस्टेंस बोलते हैं। अब यहां पर क्या होगा, जैसे ही यहां से I जितना करंट इस जंक्शन पे आएगा तो शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस से बहुत ही कम है। दैट मींस मैक्सिमम करंट इस ब्रांच में से फ्लो हो जाएगा जिससे ये जो फर्स्ट डिफिकल्टी थी वो सॉल्व हो जाएगी क्योंकि अब गैल्वेनोमीटर में से बहुत ही कम करंट फ्लो होगा। इसके अलावा यहां पर गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में हमने शंट रेजिस्टेंस कनेक्ट किया हुआ है, जब इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे तो वो दोनों में से स्मॉलेस्ट वैल्यू से भी स्मॉल मिलेगा। दैट मींस शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ही स्मॉल है, उससे भी स्मॉल इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलेगा। तो यहां पर जो I में ये RG आ रहा था अब वो बहुत ही स्मॉल हो जाएगा जिसको हम नेगलेक्ट भी कर सकते हैं। तो अब हम ये समझते हैं कि अगर हमें गैल्वेनोमीटर का इतने करंट कैपेसिटी वाला एममीटर में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए कितनी वैल्यू का शंट रेजिस्टेंस हमें कनेक्ट करना पड़ेगा। सो हम देखते हैं फॉर्मूला फॉर शंट। यहां पर आप देख सकते हो I जितना करंट आ रहा है ए जंक्शन पॉइंट पे, ये I करंट दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। गैल्वेनोमीटर में से करंट फ्लो हो रहा है IG जितना और शंट रेजिस्टेंस में से करंट फ्लो हो रहा है IS। फिर से ये दोनों करंट बी जंक्शन पॉइंट पे एड हो जाएंगे और उससे आगे की सर्किट में फिर से I जितना करंट फ्लो होगा। यहां पर अगर हम पॉइंट ए पे जंक्शन रूल अप्लाई करें तो हम ऐसा लिख सकते हैं I = IG + IS। सो यहां से हम लिख सकते हैं IS = I - IG। अब यहां पर इस क्लोज लूप के लिए अगर हम किरचॉफ सेकेंड लॉ अप्लाई करें तो लूप हम इस तरह से ले रहे हैं AGBSA। यहां से A से B की ओर जब जा रहे हैं तो करंट की डायरेक्शन एंड जर्नी की डायरेक्शन सेम है, इसलिए इस गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस के अक्रॉस में पोटेंशियल हो जाएगा -IGG। यहां से आगे बढ़ रहे हैं तो करंट की डायरेक्शन एंड जर्नी की डायरेक्शन ऑपोजिट है तो इस शंट रेजिस्टेंस के लिए पोटेंशियल हो जाएगा +ISS = 0। हमें शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी है इसलिए यहां पर S को सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये हो जाएगा S = GIG / IS। IS की वैल्यू हम यहां से रख सकते हैं IS = I - IG, तो शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी S = GIG / I - IG। इस इक्वेशन के ऊपर से हमें यह पता चलता है कि अगर हमें
एमीटर की रेंज इंक्रीज करनी है। देखो यहां पर आईजी करंट कैपेसिटी है, मतलब ये जो एमीटर बना होगा वो आईजी जितने करंट पे फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिखाएगा। अब हमें उसकी रेंज और बढ़ानी है, दैट मींस अगर यहां पर हमें आई को इंक्रीज करना है तो यहां पर शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज करनी पड़ेगी। अगर हमें एमीटर की रेंज एन टाइम इंक्रीज करनी है तो दैट मींस यहां पर हमें आई इक्वल टू एन आईजी करना है, तो यहां पर वैल्यू रखेंगे आईजी आईजी कैंसिल हो जाएगा, तो ये शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू उसके लिए हो जाएगी एस इक्वल टू जी अपॉन एन माइनस वन। अब हम ये देखते हैं गैल्वेनोमीटर को डायरेक्टली एज अ वोल्ट मीटर यूज करें तो क्या क्या डिफिकल्टीज अराइज होती है, उसका सॉल्यूशन क्या है और वोल्ट मीटर की कैपेसिटी कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। लेट सपोज कोई एक सर्किट है जिसमें हमें इस रेजिस्टेंस आर के अक्रॉस में पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो रहा है वो हमें फाइंड करना है। तो यहां पर हम एज अ वोल्टेज मेजरिंग डिवाइस गैल्वेनोमीटर का डायरेक्टली यूज कर रहे हैं। अब हम डायरेक्टली गैल्वेनोमीटर का एज अ वोल्टेज मेजरिंग डिवाइस यूज करेंगे तो क्या डिफिकल्टी यहां पर आएगी। तो फर्स्ट डिफिकल्टी ये है कि यहां पर जो रेजिस्टेंस पहले आर था वो अब चेंज होके कुछ इस तरह से हो जाएगा, आर डैश इक्वल टू दोनों पैरेलल में है इसलिए दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा आर जी अपॉन आर प्लस जी। अब इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चेंज हो गया जिससे क्या होगा, इस सर्किट में से जो करंट फ्लो हो रहा है वो चेंज होगा। अब इस रजिस्टर में से करंट जो फ्लो हो रहा है वो चेंज हो जाएगा तो उसके अक्रॉस में पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वो भी चेंज होगा क्योंकि V इक्वल टू IR होता है। दैट मींस हमें जो वैल्यू चाहिए वो हमें डायरेक्टली गैल्वेनोमीटर को एज अ वोल्ट मीटर यूज करने से नहीं मिलेगी। तो अब इस डिफिकल्टी का सॉल्यूशन क्या है, तो सॉल्यूशन ये है कि अगर गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस G को वेरी हाई कर दे तो क्या होगा, इस इक्वेशन में हम G के कंपेयर में R को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला कुछ इस तरह से हो जाएगा आर डैश इक्वल टू आर जी डिवाइड बाई जी, जी जी कैंसल दैट मीन्स आर डैश नियरली इक्वल टू आर। इसके अलावा यहां पर हमने जी की वैल्यू वेरी हाई कर दी है जिससे क्या होगा, यहां पर जितना करंट आएगा उसमें से ऑलमोस्ट करंट इस रेजिस्टेंस में से फ्लो होगा जिससे इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस में पोटेंशियल ड्रॉप आई आर मेंटेन हो पाएगा। अब ये देखते हैं इस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस इंक्रीज कैसे करें, तो उसका सिंपल सॉल्यूशन है उसके साथ सीरीज में कोई हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया जाए। तो इस तरह से ऐसे सीरीज में हाई रेजिस्टेंस का जो वैल्यू कनेक्ट किया जाता है उसको बोलते हैं सीरीज रेजिस्टेंस। अब हम इस सीरीज रेजिस्टेंस का फॉर्मूला डिराइव करते हैं। लेट सपोज कोई गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस है जी, उसके साथ हमने सीरीज रेजिस्टेंस कनेक्ट किया जिसका रेजिस्टेंस है आर एस। पॉइंट ए एंड पॉइंट बी के बीच का पोटेंशियल है वी जो हमें मेजर करना होता है। हम यहां पर पॉइंट ए से पॉइंट बी के लिए किरचॉफ सेकेंड लॉ अप्लाई करें तो वी ए माइनस जी आई जी माइनस आर एस आई जी इक्वल टू वी बी, लेकिन वी ए माइनस वी बी इक्वल टू है पोटेंशियल ड्रॉप वी। सो वी ए माइनस वी बी इक्वल टू अगर वी लिखे तो ये फॉर्मूला हो जाएगा आई जी जी प्लस आई जी आर एस इक्वल टू वी। हमें आर एस की वैल्यू फाइंड करनी है इसलिए उसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये फॉर्मूला हो जाएगा आर एस इक्वल टू वी माइनस आई जी जी डिवाइड बाई आई जी। आई जी दोनों के डिनोमिनेटर में दे दे तो ये फॉर्मूला हो जाएगा आर एस इक्वल टू वी अपॉन आई जी माइनस जी। ये इक्वेशन गैल्वेनोमीटर को वी वोल्ट के रेंज के वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में कितना रेजिस्टेंस कनेक्ट करना पड़ेगा उस रेजिस्टेंस का इक्वेशन है। कोई गैल्वेनोमीटर का यूज करके हम मैक्सिमम जो वोल्टेज मेजर कर पाएंगे वो यहां पर होगा आईजीजी, तो उसको गैल्वेनोमीटर के लिए वोल्टेज कैपेसिटी बोलते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में गैल्वेनोमीटर के लिए ये पढ़ा था के फाई इक्वल टू एन आई ए बी, यहां पर अगर हम फाई अपॉन आई को सब्जेक्ट बनाए तो ये हो जाएगा फाई अपॉन आई इक्वल टू एन ए बी अपॉन के। इस इक्वेशन को लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आर से डिवाइड करें तो ये फॉर्मूला हो जाएगा फाइव अपॉन आई आर इक्वल टू एन ए बी अपॉन के आर। आई इंटू आर इक्वल टू पोटेंशियल वी हो जाएगा तो ये हो जाएगा फाइव अपॉन वी इक्वल टू एन ए बी अपॉन के आर, जहां पर फाइव अपॉन वी को वोल्ट मीटर की वोल्टेज सेंसिटिविटी एस वी बोलते हैं।
स्टूडेंट्स आपको ये भी याद रखना है कि अगर गैल्वेनोमीटर के कॉइल में नंबर ऑफ टर्न को डबल कर दिया जाए, लेट सपोज यहां पर n की जगह 2n कर दिया जाए, तो गैल्वेनोमीटर के लिए करंट सेंसिटिविटी भी 2 टाइम इंक्रीज होगी, लेकिन वोल्टेज सेंसिटिविटी एज इट इज रहेगी। कैसे? अगर यहां पर हम नंबर ऑफ टर्न्स 2 टाइम कर दे तो यहां पर n हो जाएगा 2n, तो सामने उस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस भी 2 टाइम इंक्रीज हो जाएगा। सो यहां पर भी 2R, सो 2-2 कैंसल। तो इस तरह से गैल्वेनोमीटर में कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करेंगे तो करंट सेंसिटिविटी चेंज होगी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी एज इट इज रहेगी।